हेलो फ्रेंड्स, सिंपल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही पॉपुलर रेसिपी दाल बाटी। तो दाल बाटी के लिए जो बाटी बनाई जाती है, आज हम वो बाटी बनाएंगे। देखिए, बाटी के बहुत सारे टाइप होते हैं। कुछ उबाल के बनाई जाती है, कुछ सेक के बनाई जाती है, कुछ तंदूर में बनाई जाती है, और आज हम जो बाटी बनाने वाले हैं वो है मसाला बाटी। तो चलिए, इस मसाला बाटी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने और भी 2 से 3 वीडियो बाटी के जो है वो अपलोड पहले कर दिए हैं, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें जो सामग्री और इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी ली है 1 कप, गेहूं का आटा 1 कप, और मक्के का आटा 1 कप। जितना हमने बाकी सब लिया है उसी मात्रा में हम ये सब ले लेंगे। मैंने 1 कप मक्के का आटा, 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप सूजी ले लिए। मक्के का आटा आपको बाजार में मिल जाएगा, या तो आप मक्का लेके इसे पिसवा भी सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे जो आटे हैं वो देख लिए। अब इसमें डालने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए मसाला बाटी में वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी शोप ले ली है। हम इसमें से 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद तिल आधा टीस्पून, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, बेकिंग सोडा लिया है मैंने यहाँ पे। आप बेकिंग सोडा या खाने का सोडा दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। आपकी आटे का प्रमाण जितना है आप उस हिसाब से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हम अपने स्वादानुसार लेंगे, और तेल आटा लगाने के लिए। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम जो आटा लगा लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली है। इसमें हमारे जो सारे आटे हैं वो डाल देंगे। ये मैंने सूजी डाल दी, गेहूं का आटा, मक्के का आटा। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप सिर्फ सूजी और गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने सारे जो आटे हैं वो डाल दिए। अब हमारी जो बाटी है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इस मेथड से जाना होगा। बेकिंग सोडा डाल देंगे इसमें, और इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सोडा है इसमें सब जगह अच्छे से मिल जाए और हमारी जो बाटी है वो अच्छे से फूले। देखिए, इसे मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से। ये हमारे जो सूखे आटे हैं, सूखे आटे में अपना जो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। लेकिन हम इसे फिर से एक बार छलनी से छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है ये आटा, वही आटा इसमें लेंगे और इसे छान देंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, ये मैंने आटा छन्नी से छान लिया है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो बाटी है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से सब जगह से फूले, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने इसे छान लिया है। अब सेम दूसरा बाउल ले लेंगे और उसमें आटा लगा देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, पानी डाल देंगे इसमें। यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। हमें एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है। हम जो चपाती का आटा लगाते हैं उससे हमें थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। तो ये मैंने पानी डाल दिया इसमें। हमें जो मसाले डालने हैं वो डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, बड़ी शोप, धनिया पाउडर, अजवाइन आधा चम्मच, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सफ़ेद तिल डाल देंगे, जीरा पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने नमक डाल दिया है। तेल डाल देंगे इसमें। यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ आटा लगाने के लिए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक और बाकी सारे मसाले वो अच्छे से इसमें मिल जाए। देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब जो आटा हमने जो मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे। देखिए, मैंने सारा इसमें आटा डाल दिया है। अब हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से गूंद लेंगे, इसका आटा लगा लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। हमें बस चपाती के लिए हम जो आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। पानी ऐड कर देंगे इसमें।
थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, जैसे जैसे आटे में सेवक पड़ती जाएगी अब इसे गून लेंगे। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है, सारे जो हमारे सूखे आटे थे वो गीले हो चुके हैं। अब हम अपने हाथों की मदद से इससे हमें इसे मुक्की देनी है और इसे अच्छे से आटा गूंद लेना है। अब जितनी ज़्यादा इसे इसकी मालिश करोगे उतना ज़्यादा ये आटा अच्छा बनेगा, उतनी ज़्यादा हमारी जो बाटी है वो अच्छी बनेगी। थोड़ा सा पानी ले लेंगे आप पे और इसे गूंद लेंगे। अब जितना ज़्यादा इसे हाथ मालिश करोगे हाथों से उतनी ज़्यादा हमारी जो बाटी है वो क्रिस्पी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। इसे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से हाथों से मालिश कर दिए, तो हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से हमें कड़क आटा लगा देना है। अब हम इसे हाथों पे तेल ले लेंगे, इस पे लगा देंगे और इसे गीले कपड़े से ढककर या फिर इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं, हाथों पे तेल लगा लेंगे ताकि आटा जो है हाथ पे चिटके ना। थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसे घुमाते हुए इसके गोल लोई बना लेंगे। जब हम इसे हाथ पे लोई बनाएंगे तब भी इसकी थोड़ी सी हाथ पे मालिश कर देंगे ताकि ये और सॉफ्ट बने। अब इसे घुमाते हुए इसकी गोल लोई बना लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। देखिए मैंने बना लिया, प्लेट में निकाल लेंगे इसे। अब इसी तरह से हम अपनी बाकी जो सारी लोई है वो बना लेंगे। आप इसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। आज हम जो बाटी बनाने जा रहे हैं वो ना तो हम ओवन में बनाएंगे ना तंदूर में, इसे हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने इसके छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली है। जब तक ये बन रही थी तब तक मैंने पहले ही पानी गर्म के लिए रख दिया था, पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इसे बॉईल करने के लिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है, जब पानी अच्छे से उबल जाए तभी हम इसमें हमारी जो लोइयाँ बना के रखी है वो डालेंगे। देखिए मैं इसमें डाल दूँगी। एक साथ सारी नहीं डालनी है हमें, हम इसे दो बार में उबाल लेंगे क्योंकि ये फूल के बड़ी हो जाती है। देखिए मैंने इसमें 5 लोइयाँ डाल दी है, गैस की फ्लेम हाई रखी है मैंने। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक के उबाल लेंगे, जब तक कि हमारी जो लोइयाँ है वो फूक के अच्छे से ऊपर नहीं आ जाती तब तक के इसे पका लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो बट्टी अच्छे से उबल चुकी है। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बट्टी ले लेंगे। देखिए इसकी साइज़ भी बड़ी हो चुकी है और ये अच्छे से उबल चुकी है। ये मैंने एक बट्टी ले ली है, नाइफ डाल के एक बार चेक कर लेंगे कि ये हुई है कि नहीं। देखिए ये इसे चिटका नहीं है, इसका मतलब ये अंदर तक अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे और बाकी जो सारी हमारी बट्टी है, बाकी जो हमारी सारी बाटी है उसे भी इसी तरह से बॉईल कर लेंगे। देखिए मैंने सारी प्लेट में निकाल ली है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी जो बट्टी बाटी है अच्छे से ठंडी हो चुकी है, मैंने तेल पहले गर्म के लिए रख दिया था क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसे काट लेंगे। देखिए मैं इसे सेंटर से काट दूँगी। देखिए मैंने इसे काट लिया है, हम एक बाटी के 4 पीस करेंगे। आप अगर चाहे तो इसे छोटे भी कर सकते हैं, आप इसे अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं। देखिए मैंने इसे काट लिया है, इसी तरह से हम अपनी सारी जो बाटी है उसे काट लेंगे। देखिए मैंने इसे काट लिया है, तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक के तल लेंगे। सारी जो बाटी है हमारी वो डाल देंगे इसमें, मैंने इसमें सारे डाल दिए। अब हम इसे चलाते हुए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए तब तक के इसे फ्राई कर लेंगे और फिर इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल और टेस्टी मसाला बाटी तैयार है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। गर्मा गर्म दाल के साथ इसे सर्व कीजिए। आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अगर बाकी की जो बाटी के वीडियोस है, कई टाइप से बाटी बनाई जाती है, वो मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।
आप मेरे चैनल पे इसके वीडियोस देख सकते हैं और दाल की वीडियो भी मैंने पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार है, मैं इसे गर्मा गर्म दाल के साथ सर्व करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।